यूक्रेन के स्लावियांस्क में रूसी आर्म्ड फोर्सेस ने मचाई तबाही। यूक्रेनी सेना के चेक पॉइंट पर टॉस 1A से हमला किया गया। हैवी फ्लेम थ्रोअर सिस्टम टॉस 1A से तबाह किया गया चेक पॉइंट। स्लावियांस्क में रूस ने यूक्रेन को पहुंचाया बहुत बड़ा नुकसान। क्या यूक्रेन में कुछ ऐसा करके स्वीडन और फिनलैंड को भी मैसेजिंग की कोशिश है? क्या मैसेजिंग हो रही है? क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या ये फॉग ऑफ वॉर है जिसके चलते अभी तक दुनिया को पता नहीं चल रहा है कि रूस एक्चुअली चाह क्या रहा है? डोनबास को लेकर चीजें क्रेमलिन ने क्लियर की, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके जहन में क्या है? या फिर एम्बिग्विटी खुद रूस के दिमाग में भी अभी चल रही है और इसीलिए दुनिया के सामने भी चीजें स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ रही है। जरा इस बात को हम अपने बाकी मेहमानों से भी समझ लेते हैं। रंजीत सर, आपकी निगाहों में क्या है? खुद रशिया में भी कहीं कंफ्यूजन है? उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं? बिल्कुल। अब मरियुपोल की बात की भाई, 2 महीने हो रहे हैं इस लड़ाई को, लेकिन क्या हुआ? रशिया हार मान गया। फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया, राइट। जब भी कोई शहर में गए हैं, उनके टैंक नष्ट हो गए हैं, उनके लोग मर रहे हैं। तो अब देखो मरियुपोल ने उसे क्या किया। एजोटोल फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री है, उसको नष्ट नहीं किया। उसके अंदर जो लोग हैं उनको खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा। तो इन फॉग ऑफ वॉर रशिया कह रहा है कि हम अभी मरियुपोल को ले लिया, लेकिन यूक्रेन अपने हौसले के लिए बोल रहा है कि नहीं, मरियुपोल हमारा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, पुतिन साहब ने अपनी टैक्टिक्स बदल दी है। उसने कहा कि अगर जो मैं पूरा यूक्रेन को ले लो, अरे कितना खर्चा होगा उसको बनाने के लिए। तो अब क्या कर रहे हैं, क्रिमिया से मरियुपोल टू डोनबास टू खार्किव एक लाइन बना देंगे अपनी बॉर्डर। लेकिन हमको देखना पड़ेगा, 2 महीने हो गए और कार्नेजी बोल रहा है कि 9 मई को चाहे लड़ाई खत्म ना हो, पुतिन साहब विक्ट्री डे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विक्ट्री डे था, ये एक बहुत बड़ी तारीख का ऐलान यहाँ किया जा रहा है। रंजीत सर, आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। 9 मई, जिसको विजय दिवस के तौर पर रूस में मनाया जाता है, उससे पहले क्या जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करके रूस शांत बैठ जाएगा, या 9 तारीख को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ बड़ा अचीव किया जाएगा लेकिन उसके बावजूद नेटो को संदेश देने के लिए अभी रूस बहुत सारे कदम उठाने वाला है? अहम खबर देखिए और उसके बाद आपको लिए चलूंगा आप स्टूडियो। यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ रहे हैं चेचनिया के लड़ाके। डोनबास में चेचनिया लड़ाकों और यूक्रेनी जवानों के बीच एनकाउंटर, और एनकाउंटर में दोनों तरफ से जमकर हुई गोलीबारी। चेचन लड़ाकों ने यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। चेचनिया के लड़ाके जो यहां पहुंचे हुए हैं और यहां रमजान कादिरव के नेतृत्व में उनकी तरफ से जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो भी यूक्रेन को बहुत भारी पड़ रही है, लेकिन फिर उधर अजोव फोर्सेस को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। लिहाजा यहां कोई किसी से कम दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बात निश्चित रूप से सही है कि रशिया की माइट एंड स्ट्रेंथ के आगे यूक्रेन का इतना टिक जाना और इतने दिनों तक रेजिस्टेंस देना भी बहुत बहुत बड़ी बात। लेकिन अब आपको ये इंफॉर्मेशन देना बहुत आवश्यक है। वैसे आप सोच रहे हैं वॉर जोन में पीजी क्या है, क्या है ये पीजी, और वॉर जोन में पीजी के आ जाने से क्या बहुत फर्क होने वाला है? असल में अगर आप देखें, इतने दिनों तक, 58 दिनों तक अगर यूक्रेन इस लड़ाई को खींच पाया है तो उसके पीछे वेस्ट की तरफ से मिलती मदद ही है। आपको याद होगा टर्की ने जो ड्रोन्स दिए, बैरक्टियर ड्रोन्स, उन्होंने गेम चेंजर का काम किया। कामिकाज ड्रोन्स, उन्होंने चीजों को बहुत बदलने का काम किया। ये ड्रोन्स आज के दौर में वॉरफेयर का बहुत अहम तरीन हिस्सा हैं। कितना बड़ा फर्क पड़ेगा जब यहां पर ये पीजी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा रूस की पोजीशन देखिए। रूस की ये पोजीशन कहां उसने कंसोलिडेट कर लिया, मैं आपको दिखा रहा हूं रूस के कब्जे वाले जो इलाके हैं जहां वाकई कब्जा हो गया, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक बड़े हिस्से पर डोनबास के पहले से ही एक तरीके से रूस का कब्जा रहा है। रूस ने जिसे आजाद मुल्क घोषित किया वो जगहें कौन कौन सी हैं? डोनेस्क, लुहांस्क, आप जानते हैं ये दोनों डोनबास में आते हैं। 24 फरवरी को यहां पर क्या स्थिति थी, किस जगह से जंग की शुरुआत हुई, जब कहा गया कि वी आर गोइंग टू अंडरटेक अ मिलिट्री ऑपरेशन। अब ये मिलिट्री ऑपरेशन जहां से शुरू किया गया जहां तक पहुंचा है और जो रूस के ऑब्जेक्टिव्स दिखाई देते हैं, क्या एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है थॉट्स में, स्ट्रैटेजी में, या कहीं कंफ्यूजन है? यह समझ लेना बहुत आवश्यक है। शिवाज सर,
आपका जो सवाल है, एक तो पहले ड्रोन के बारे में, पहले ड्रोन पे मैं आता हूँ सर। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ कोई कंफ्यूजन है क्या स्ट्रैटेजी में? हम जो उनको पहले बढ़ते देखते हैं, फिर पीछे जाते देखते हैं, फिर ईस्टर्न यूक्रेन, फिर वेस्ट की तरफ जाएंगे, कंफ्यूजन है या क्लैरिटी है सर? नहीं, एट प्रेजेंट तो आपको देखो ये कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि रशिया को जो उनको आशा थी कि बहुत जो है फुर्ती से वो यूक्रेन को जीतने पाएंगे, वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। यूक्रेन की फाइटिंग पावर, विल पावर बहुत ही मजबूत है और उनको काफ़ी नेटो और अमेरिका से बहुत बड़ी मदद मिल रही है। उसके कारण जो है उनका हौसला बढ़ भी रहा है और बीच बीच में उन्होंने काफ़ी सक्सेस भी अचीव की हैं। जैसे उन्होंने रशियन काफ़ी टैंक्स को बर्बाद किया है, बख्तरबंद गाड़ियों को बर्बाद किया है, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर को बर्बाद किया है, तो उसमें जो है उनको बहुत ही उनका उत्साह बढ़ा है और उसके कारण जो है वो काफ़ी जो है बहुत डटकर रशियन फोर्सेज का मुकाबला कर रहे हैं। अब रशियन डेफिनेटली कन्फ्यूजन में हैं, लेकिन देखते हैं कब तक ये कन्फ्यूजन चलता है और उनको क्या इसमें सक्सेस मिलती है। इसका अभी कन्फ्यूजन है, ये बात खुद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है। क्या अमूमन इस तरीके में दुनिया की आप कितनी भी बड़ी प्रोफेशनल फोर्स हो, क्या कन्फ्यूजन की स्थिति आती है? क्या आप जो ऑब्जेक्टिव बनाकर चलते हैं, जब चीजें उस हिसाब से नहीं होने पाती हो पाती तो आपको बीच में इम्प्रोवाइज करना पड़ता है क्या? और वो उस इम्प्रोवाइज करते हुए दुनिया आपको कन्फ्यूज समझती है और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉर है क्या, या वाकई आपकी स्ट्रेटजी में कमी दिखाई दे रही है? ब्रजेश सर, आपके पास सवाल लेकर आऊं, उससे पहले एक अहम खबर दिखाता हूं। रूस की फौज पर यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक, यूक्रेन की आर्मी ने रूसी सैन्य काफिले को उड़ाया। यूक्रेन की बमबारी में रूस के कई सैन्य वाहन तबाह, रूस के कई सैन्य वाहनों को तबाह किया गया। और जब रूस के, आपने देखा वो लंबा काफिला जो 72 किलोमीटर का कीव की तरफ दिखाया गया था, वो पहुंच ही नहीं पाया कीव तक कभी। वो लंबा काफिला जो बताया गया कि वो उधर एयरपिन की तरफ से चला जा रहा है एजियम की तरफ से और आगे बढ़ेगा और इधर आप रूस की तरफ से चीजों को कंसोलिडेट करने में मदद करेगा, वो कहां गया काफिला? अगर ये काफिले नहीं पहुंच रहे हैं तो क्या कोई ऐसी चीज है जो बीच में रोक रही है, घातक हमले कर रही है? और क्या वो ड्रोन है? इस पर हम आएंगे। क्या है ये पीजी और क्या ये वाकई पेइंग गेस्ट बना देने वाला है कुछ जगहों पर रूस की आर्मी को? लेकिन उससे पहले जरा ये समझने की कोशिश करते हैं, क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन पार्ट एंड पार्सल है सर, या स्ट्रैटेजी कितनी कमजोर या मजबूत है दिखाता है? ब्रजेश सर, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसका मतलब यह है कि हम कंटिंजेंसी प्लानिंग करते हैं एट स्ट्रेटेजिक लेवल, कुछ ये हो जाए तो कुछ और कर लेंगे, वो आ जाए तो ये कर लेंगे। लेकिन जहां तक इस ऑपरेशंस का सवाल है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का सवाल है, इसमें तो स्ट्रेटेजिकली रशिया बहुत वीक रहा है, कंफ्यूजन रहा है। आप देखेंगे पहली बार उसने कैपिटल को, जो कीव है, उसको मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बनाया था, सारी उसने फौज वहां डाल रखी थी, कुड नॉट सक्सीड। उसके आर्मर्ड कॉलम्स जो थे नॉर्थ की तरफ से कीव की तरफ जा रहे थे, फंस गए थे। सर एक बात और समझना चाहता हूं मैं कि ये जो आप चीजें जिसको आप कह रहे हैं, ये असल में पुतिन तो स्ट्रेटजी के साथ तैयार थे, लेकिन क्या आर्मी रिलक्टेंट थी? वहां की जो पूरी मशीनरी है वो उतने माइट एंड फोर्स के साथ नहीं गई? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।